हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो आज हम बनाने वाले हैं मोती का श्री लक्ष्मी कुबेर यंत्र सो so, इसे आप सिर्फ़ येलो और रेड वाइट में ही यूज़ कर सकते हैं इसमें मल्टी कलर यूज़ नहीं कर सकते सो आइए देखिए हमने मटेरियल क्या यूज़ किया है हमने यहाँ पे लिया है रेड पर्ल येलो पर्ल और वाइट पर्ल सीज़र लिया है सुई और वायर लिया है सो so, आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम तीन वाइट और एक येलो मोती लेंगे और उसे इस तरह से नॉट बांधेंगे अच्छे से हमें नॉट बांधनी है यहाँ पे उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वायर है उसे एक या दो मोती जितने में भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं उसके बाद में सीजर की हेल्प से जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हमें कट करना है इस तरह से सो ये फर्स्ट राउंड हमारा हो गया है अब हम यहां पे जो तीन व्हाइट मोती है उन तीनों वाइट मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से और फिर येलो मोती में से हमें सुई को बाहर निकालना है सो फर्स्ट राउंड हमारा हो गया है इस तरह से अब हम यहाँ पे दो येलो और एक वाइट मोती लेंगे और जो येलो मोती है उसको उसमें से हमें ऊपर से नीचे सुई को लेके जाना है इस तरह से सो ये सेकेंड राउंड हमारा हो गया है अब नीचे का जो वाइट मोती है उसमें से हमें सुई को बाहर निकालना है उसके बाद जो येलो मोती है उसमें से हमें नीचे से ऊपर सुई को लेके जाना है सो so ये दो राउंड हमारा हो गया है अब वैसे ही हमें बाकी राउंड करने हैं हमें वापस से दो येलो और एक व्हाइट मोती लेना है और सेम उसी वाइट मोती येलो मोती में से सॉरी हमें नीचे से ऊपर सुई को लेके जाना है इस तरह से सो so यहाँ पे तीन वाइट मोती फिर यहाँ पे एक वाइट और तीन येलो मोती हो गए हैं हमें यहाँ पे येलो मोती की चार मोती करना है सो so, इस तरह से यहाँ पे चार फिर तीन फिर दो इस तरह से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है सो so, यहाँ पे हम वापस से दो वाइट और एक येलो मोती लेंगे उसके बाद में ऊपर का वाइट मोती छोड़कर नीचे के दो येलो मोती में से हमें सुई को बाहर निकालना है इस तरह से हमें एक ट्रायंगल बनाना है सो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है अब हमें दो येलो मोती लेने हैं और एक पहले के मोती में से और एक नीचे के दो मोतियों में से दो येलो मोतियों में से हमें सुई को बाहर निकालना है इस तरह से सो ये अंदर का जो ट्रायंगल है वो बन गया है अब हमें वाइट मोती लगेंगे सो so, दो व्हाइट मोती लेंगे व्हाइट मोती से हमें जो येलो ट्रायंगल है उसकी बॉर्डर बनानी है सो so, यहाँ पे चार चार मोतियों का राउंड हमें बनाना है इस तरह से और फिर सुई को ऊपर के साइड लेके जाना है इस तरह से सो so, ऊपर जो टॉप मोस्ट जो येलो मोती है वहाँ हमें लेके जाना है और येलो मोती में से हमें सुई को बाहर निकालना है इस तरह से अब यहां पे हम तीन वाइट मोती लेंगे और सिर्फ जो सेंटर का येलो मोती है उसमें से हमें सुई को बाहर निकालना है इस तरह से सो ये हमारा जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट होता है अब हमें सुई को नीचे के साइड लेके जाना है और अच्छे से टाइट करना है पूरे ट्रायंगल को कहीं से भी लूज़ ना रहे जैसे इस तरह से ये लूज़ रहता है सो इसे हम पैक करेंगे जो भी कॉर्नर्स है उसे अच्छे से हम सील करेंगे सो इस तरह से ये ऊपर हमें लेके जाना है सो so, जिससे जो जो टॉप है वो अच्छे से सेट हो पाए अब हमें यहाँ पे एक नॉट बांधनी है सो so, यहाँ अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइट नॉट नहीं बांधनी है जिससे शेप बिगड़ सकता है फिर हमें दूसरे साइड में दूसरे मोती में से सुई को बाहर निकाल के वापस से यहाँ पे भी एक नॉट बांधनी है आप चाहे तो एक भी नॉट बांध सकते हैं अब हमें यहाँ पे बीच में सुई को ले जाकर फिर जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम सीज़र की हेल्प से कट करेंगे सो ये हमारा पहला ट्रायंगल बन गया है वैसे ही हमें बाकी ट्रायंगल्स बनाने हैं सो यहाँ पे हमें छह ट्रायंगल्स इस तरह से बनाने हैं और बाकी जो चार ट्रायंगल्स हैं वो हमें इस तरह से बनाने हैं जहाँ पे हमें ऊपर जो हमने तीन वाइट मोती लिए थे वो हमें नहीं लेने हैं जो यहाँ पे तीन वाइट मोती लेने वो नहीं लेने हैं सो तो ये चार हमें इस तरह से बनाने हैं सो तो अब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं सबसे पहले सो ये एक ट्राइंगल लेंगे और ऊपर हमने वायर की नॉट बांधी है और फिर दूसरा ट्रैंगल की इस तरह से टोक लेंगे जो कॉर्नर वाला मोती जो निकला हुआ है वो और उसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे ऐसे फिर एक रेड मोती लेंगे इस तरह से और फिर वापस से एक ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल का ही कॉर्नर का एक वाइट मोती लेंगे इस तरह से ये चार मोती जॉइन हो गए हैं तीनों ट्रायंगल का एक एक मोती और एक रेड मोती सो तो इस तरह से चार मोती अब हमें अच्छे से इसे तीनों को ज्वाइन करना है इस तरह से अब सुई को हमें ऊपर के साइड लेके जाना है आपको धागा थोड़ा ज़्यादा लेना है तो हो सकता है वो थोड़ा उलझे क्योंकि बीच में नॉट बांधेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा सो so, यहाँ पे हम इसे साइड के जो वाइट मोती है वहाँ से ले जाकर ऊपर निकालेंगे सो so, यहाँ पे जो गैप आपको दिख रही है वहाँ पे हमें रेड ट्रायंगल बनाना है So, ये हमें ऊपर के साइड सुई को लेके जाना है इस तरह से अब हमें यहां पे दो रेड मोती लेने हैं उसके बाद में जो कॉर्नर के जो दो व्हाइट मोती हैं उसमें से नीचे के वाइट मोती में से सुई को बाहर निकालना है इस तरह से और धागे को अच्छे से खींचना है सो ये देखिए ये यहाँ पे, और फिर ऊपर के साइड हमें सुई को लेके जाना है इस तरह से फिर हमें ऊपर का जो रेड मोती है उसमें से सुई को बाहर निकालना है फिर नीचे के साइड हमें आना है फिर जो मिडल वाला जो रेड मोती है उसमें से हमें सुई को बाहर निकालना है इस तरह से ये देखिए अब यहाँ पे हमें दो रेड मोती लेने हैं उसके बाद में ये जो नीचे के दो रेड मोती हैं उनमें से हमें सुई को बाहर निकालना है इस तरह से और फिर जो वाइट मोती है वहाँ पे उसी तरह से ऊपर के साइड जाना है जिस तरह से हम अभी गए थे वाइट मोती से ऊपर के साइड अब ऊपर हमें लेके जाना है वाइट मोती में से इस तरह से अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक रेड मोती लेना है हम यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा बना रहे हैं अभी जो हमने येलो और वाइट का बनाया था वो बड़े से छोटा बनाया था अब यहाँ पे हमें छोटे से बड़ा बनाना है सो so, प्रोसेस सेम है सो so, इस तरह से हमें ये ट्रायंगल बढ़ाते जाना है अब यहाँ पे तीन रेड मोती हो गए हैं अब हमें यहाँ पे ऊपर चार रेड मोती बनाने हैं सो so, यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा ट्रायंगल सो so, यहाँ पे वापस से हम एक स्टेज ऊपर जा रहे हैं व्हाइट मोती से हम ऊपर के साइड सुई को लेके जा रहे हैं इस तरह से अब हमें नेक्स्ट क्या करना है एक रेड और एक व्हाइट मोती लेना है क्योंकि व्हाइट की हमें बॉर्डर बनानी है ऊपर सो हमें इस तरह से ये व्हाइट मोती में से सुई को बाहर निकालना है इस तरह से और फिर सुई ऊपर के साइड लेके जानी है और फिर सुई राइट साइड लेके जानी है और सेम ऐसे ही हमें आगे तक ये जो प्रोसेस है इसे फॉलो करना है जो रेड कलर का ट्रायंगल है उसकी बॉर्डर पूरी वाइट कलर की आनी चाहिए इस तरह से सो so, ये पूरी जो बॉर्डर है वो इस तरह से वाइट आनी चाहिए और पूरा जो ट्रायंगल कंप्लीट होना चाहिए सो so, यहाँ पे ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है अब हमें यहाँ पे दो जो हमने और ट्रायंगल्स बनाए थे वो हमें यहाँ पे लगाने हैं सो so, उसके लिए सेम वही प्रोसेस हमें लेनी है उसका कॉर्नर हमें लेना है यहाँ पे। उसके बाद में हमें एक रेड मोती लेना है और एक वाइट मोती लेना है और फिर जो नीचे का एक मोती है उससे हमें इन चारों मोतियों को अच्छे से टाइट करना है इस तरह से सो so, यहाँ पे हमें ऊपर के साइड आना है उसके बाद में रेड मोती में से सुई को बाहर निकालना है इस तरह से अब हमें यहाँ में क्रॉस करना है वाइट की एक लेयर लाइन जाएगी यहाँ पे, सो so, यहाँ पे वाइट मोती में से सुई को बाहर निकालना है इस तरह से उसके बाद में जो हमारी लाइन है वाइट वाली वहाँ तक हमें सुई को लेके जाना है इस तरह से अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स को डिवाइड करना है सो यहाँ हमें रेड की लाइन करनी है इस तरह से ट्राइंगल डिवाइड हो गया यहाँ पे क्रॉस बन गया है अब यहाँ पे हमें आगे आना है उसके बाद में यहाँ तक हमें सेम यही प्रोसेस फॉलो करनी है दो रेड मोती लेने हैं और फिर ये सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है जो हमने नीचे येलो जो ट्रायंगल बनाया था सेम वैसा ही हमें यहाँ पे येलो की जगह पे रेड ट्रायंगल बनाना है इस तरह से सो so, यहाँ ये कंटिन्यू करना है और फिर जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है वो लगाना है सो so, यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है ये ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह से लगाना है सो so, इसके लिए हम यहाँ पे एक रेड और फिर ये ट्रायंगल हम लेंगे और फिर इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे यहाँ पे और फिर नीचे का जो एक वाइट मोती है जो ट्रायंगल का टॉप मोस्ट मोती है नीचे का उसमें से हमें सुई को बाहर निकालना है इस तरह से सो ये अच्छे से फिक्स हो गया है अब सुई को ऊपर की साइड लेके आएंगे इस तरह से यहाँ पे अब यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स हमें बनाने हैं सो यहाँ सुई को ऊपर की साइड हम लेके आएंगे उसके बाद में एक बीच का सेंटर और फिर दोनों साइड के जो ट्राइंगल है, वो हमें बनाने हैं सो सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे हमें वापस से एक से नीचे से ऊपर हमें जाना है और ये ट्रायंगल हमें बनाना है सो so, यहाँ पे तीन ट्रायंगल्स बनेंगे तीन रेड ट्रायंगल्स इस तरह से सो so, वैसे ही यहाँ पे तीन ट्रायंगल्स हमें बनाने हैं और सेम प्रोसेस रहेगी सो so, अब हम यहाँ पे तीन ट्रायंगल्स बना लेंगे सो so, यहाँ पे हमारे ये तीन ट्रायंगल्स बन चुके हैं अब हमें ऊपर का जो पार्ट है वो जॉइन करना है सो so, जिसके लिए हम यहाँ पे तीन वाइट मोती लेंगे और जो येलो मोती है उसमें से हमें सुई को बाहर निकालना है इस तरह से उसके बाद में नीचे के साइड मोती को लेके जाना है और फिर लेफ्ट साइड में धागे को निकालना है सो अब हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है यहां पे पूरा जो पार्ट है उसे कंप्लीट करना है ऊपर तक ट्रायंगल को लेके जाना है सो so, यहाँ पे ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है सारे ट्राइंगल्स अच्छे से सेट हो गए हैं अब हमें ये जो बाकी का ट्राइंगल है उसे ज्वाइन करना है सो so, जिसके लिए हम यहाँ पे दो एक एक करके वाइट मोती लेंगे पहले एक वाइट मोती लेंगे उसके बाद में जो येलो मोती है ऊपर का उसमें से सुई को बाहर निकालना है और वापस से एक वाइट मोती लेना है और फिर जो नीचे का जो वाइट मोती है उसमें से सुई को निकालना है और वापस से ऊपर से लेफ्ट में हमें धागे को लेके जाना है नीचे साइड लेके जाना है और फिर लेफ्ट मोती में से सुई को बाहर निकालना है इस तरह से सो so, वापस से हमें यही सेम प्रोसेस फॉलो करनी है ये आधा पार्ट हमारा हो गया है अब आधा पार्ट ऊपर हमें करना है आप चाहें तो दो पार्ट्स बना के इसे ज्वाइन कर सकते हैं वो भी इजी पड़ेगा सो so, जैसे जैसे नीचे बनाया वैसा का वैसा सेम ऊपर बनाना है सो so, ये हमारा फाइनल इस तरह से दिखता है सो so, यहाँ पे ये प्रॉपर आपका शेप आना चाहिए सो so, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू